टोटल इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट सरकमस्टेंस ऑफ द केस है। हमने अदालत को तमाम प्रोसीडिंग में ये बताया है कि आईने पाकिस्तान के तहत चाहे ये एक बंदा हो, चाहे आप लोग हैं, चाहे मैं हूँ, अगर मेरा कोई बुनियादी हक है जो आईन ने मुझे दिया है, वो मांगने का हमें हक हासिल है। और अगर हक मांगने से हमारे ऊपर एफआईआरें होती हैं तो ये आईन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आईन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। वो लोग जो अमीन और सादिक नहीं रहे, वो हमारे ऊपर एफआईआरें दर्ज करवाए जा रहे हैं। वो लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कहते हैं कि ये बददियानत हैं, ये सादिक नहीं है, वो हमारे ऊपर एफआईआरें दर्ज करवाए जा रहे हैं। उस गरीब ने उसने किया क्या है? उसने कहा कि अगर हम पानी आप नहीं देंगे तो मैं पानी लूंगा। दूसरी बात बड़ी है, मैं जो भाई लॉ आपको बतानी चाहिए, लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी कम्युनिटी के लोगों को उकसाता है और उकसाने के बाद वो आवाम किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या किसी बिल्डिंग को डिमोल्श कर देते हैं या उसको बिल्डोज कर देते हैं, फिर किसी सेक्शन का एप्लीकेशन होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना डिस्ट्रॉय किया गया, बल्कि वो तमाम कम्युनिटी यहाँ पे वो काम नहीं है, कम्युनिटी उकसा नहीं रहा, बल्कि कम्युनिटी उसके साथ है। वो कहती है हमें पानी दो, वो कहती है हम मर रहे हैं भूख से, हमारे लिए गंदम भेजो। उस गरीब का जुर्म कोई नहीं है जो हमने अदालत को बताया है, और इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ करेगी और उसकी बेल होगी। आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू।